नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। ये किसी बस स्टैंड या किसी रेलवे स्टेशन या फिर कोई मार्केट की तस्वीर नहीं है, बल्कि पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि पटना एयरपोर्ट की हालत कुछ ऐसी है कि कोविड का समय है और देखिए किस तरह से भीड़ है, नियंत्रण में नहीं आ पा रही है और लोग किस तरह से यात्रियों की यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ नहीं है। तो ये स्थिति है पटना एयरपोर्ट की। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लोड है पटना एयरपोर्ट पर, और इसी लोड को कम करेगा दरभंगा का एयरपोर्ट जब नवंबर में ये चालू होगा। और अभी जब पीक आवर है, देखिए अप्रैल में 30 फ्लाइट चलती थी, मई में 236 हुई, जून में 1186 हुई और जुलाई में 1413 हुई और अगस्त में 1695 तक ये पहुँच गई। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि अप्रैल से अगस्त तक में पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट की संख्या जब इतनी बढ़ गई, 30 से 1695 हो गई, तो यात्रियों की संख्या ऐसे होगी। और पिछले दिनों जब उड्डयन मंत्री यहां आए थे तो पटना में उन्होंने निरीक्षण किया था जो नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, और उसकी भी हम जानकारी देंगे। और उन्होंने देखा था टर्मिनल बिल्डिंग या जो एक्सटेंशन का काम हो रहा है, और ये एयरपोर्ट के लिए जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है कि इसका एक भव्य रूप दिया जाए और लोगों को यहाँ से सुविधा मिले। और पटना एयरपोर्ट की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें ये जानकारी दी गई कि जो नया टर्मिनल बिल्डिंग है वो बन रहा है, उसका एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड एरिया जो है उसको जो बढ़ाया जा रहा है उसकी जानकारी दी गई। टर्मिनल बिल्डिंग जो है जो बनाया जा रहा है उसकी समीक्षा की गई मंत्री के द्वारा और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ऑफ इंडिया के चेयरमैन के द्वारा। तो ये तमाम लोग गए थे और निरीक्षण किया और देखा कामकाज, और इसमें उन्होंने सेटिस्फैक्शन भी जाहिर किया कि ये सही चल रहा है काम। तो इस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर लोड है और उसके लोड को दरभंगा एयरपोर्ट कम कर रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में क्या क्या है। 52 चेक इन काउंटर्स बनाए जाएंगे, इन लाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम होगा, 5 कन्वेयर्स बेल्ट होंगे, यानी कि ये सारी सुविधाएं नए, 5 एयरो ब्रिजेस बनाए जाएंगे। तो ये सारी नई सुविधाएं न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में होंगी जो बनाई जा रही हैं, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। और मल्टी लेवल कार पार्किंग की भी यहाँ पर व्यवस्था होगी। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम टेक्निकल बिल्डिंग और फायर स्टेशन, ये तमाम चीज़ें नई उसमें की जाएगी जो फ़िलहाल नहीं है। और सोचिए किस तरह से लोग वहाँ पर, एक सामान्य बस अड्डा नज़र आता है पटना एयरपोर्ट अभी, और ये स्थिति है कि, और ये सारा काम जो है मार्च 2023 यानी कि अभी भी 3 साल का टारगेट, 3 साल अभी और वक्त लगेगा जब इसको दिल्ली या मुंबई की तर्ज पर जो है इसको डेवलप करके बड़ा और भव्य बनाया जाएगा, तभी जा करके यहाँ पर ये सारे पैसेंजर्स को हैंडल किए जाएंगे। इस बीच अगर ये नवंबर में दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा पटना एयरपोर्ट के लिए कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो नॉर्थ बिहार के हैं, खासकर मिथिलांचल के, कोसी के इलाकों के हैं, तो यहाँ से उनका जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो सीधा दरभंगा शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे जो है काफ़ी कुछ लाभ पटना एयरपोर्ट को मिलेगा, और साथ के साथ जब 2023 में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बन जाएगा और उसके में जब सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी तो इस तरह की भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में पटना के लिए भी अच्छे दिन आएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज रहूँगा, देखते रहिए दरभंगा रॉक। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।